गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल मिशन विशेष रिएक्शन। मैं हूं दीपक। तो आई होप कि सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे बिल्कुल हमारी तरह। और आज की जो ये वीडियो है मौलाना तारिक जी के एक बयान के ऊपर कि रोजा तोड़ने की सजा। प्लीज लिसन केयरफुली, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं। हजरत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फर्ज रोजा छोड़ दिया रमजान क्यों कहते हैं? रमजान का मतलब है जल जाना। किस चीज का जल जाना? सलातुल अवाबीन हीन तरमुजुल फसाद। नेक लोग एक नमाज पढ़ते हैं कब? जब ऊंट के पांव जलने लगे, ऊंट के बच्चे के पांव जब चलने लगे। तो रमजान में जल जाना, इसका रोजे से क्या ताल्लुक है? इसका रोजे से ताल्लुक यह है कि 360 दिन साल में होते हैं चांद के लिहाज से, 330 दिन के गुना अल्लाह रमजान के रोजों में हर रोज मेरे आपके गुना जलाता है। भूख लगती है एक आग बनती है, प्यास लगती है एक आग बनती है। तो हमारे लकड़ी की आग में चीजें जलती हैं और हमारे भूख रोजे की भूख की आग में गुनाह जलते हैं। और 29वें रोजे अल्लाह सारे साल के गुनाहों को जला के रोजा वाला या रोजे वाली को ऐसे पाक कर देता है जैसे आज माँ के पेट से निकला, ऐसे उनको खूबसूरत कर देता है। हज का महीना आया, आमाल उसी तरह हैं जैसे होते हैं। रमजान का महीना आया तो मेरे नबी का ऐलान हो गया एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। कमाल, नफल फर्ज के बराबर। फर्ज और नफल में फर्क क्या है? हजरत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फर्ज रोजा छोड़ दिया फिर क्यामत तक उसकी कजा में नफल रोजे रखता रहा तो एक रोजे का ये सारे रोजे बदला नहीं हो सकते। एक नमाज छोड़ दी और फिर उसकी कजा में क्यामत तक नफल पढ़ता रहा तो फर्ज नमाज की एक रकात के एक सजदे के बराबर भी नहीं है। फर्ज में इतनी ताकत है। तो अल्लाह की रहमत कैसे मुतवज्जे होती है के रमजान के महीने में अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब की उम्मत है एक फर्ज को 70 के बराबर कर दो, और फिर फरमाते हैं नफल को फर्जों के बराबर कर दो, और फिर फरमाते हैं जो रात को तरावी पढ़ेगा दिन में रोजा रखेगा आखिरी रात उसे ऐसे धो दू धो के पाक कर दूंगा कि उसके जिम्मे गुनाह का एक जर्रा भी बाकी नहीं बचेगा, सब गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ फरमा देगा। और मेरे नबी ने फरमाया मन सामा रमादान ईमानन व इहतिसाबा, दूसरी भी मन कामा रमादान ईमानन व इहतिसाबा, जिसने रोजा रखा अल्लाह की रजा के लिए, जिसने तरावी पढ़ी अल्लाह की रजा के लिए, उसके पिछले जिंदगी के सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है। रात का क्याम किसी उम्मत को नहीं मिला। देखो रोजा सख्त था तो उनका क़ियामुल्लैल नहीं था क्योंकि वो अपनी किताब पढ़ सकते ही नहीं थे। रमजान में अल्लाह ने आसमानी किताबें उतारी, यक्कम रमजान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, दो रमजान को तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, 8 या 6 रमजान को ईसा अलैहिस्सलाम उस पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर उन पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर को उतारा, और 12 या 18 रमजान को ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को उतारा, और 21 रमजान को अल्लाह ताला ने पीर की रात लैलतुल कद्र में गारे हिरा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर किताब को उतारा। वो किताबें फुल आ गईं, लिखी लिखाई। कुरान फुल नहीं आया, कुरान सिर्फ एक सूरत के 19 अल्फाज आए बस, और फिर 23 बरस में कुरान उतरा। कितने अंबिया ऐसे गुजरे हैं जिनके पास जिब्रील जिंदगी में एक दफा आया,
जिंदगी में, जिब्रील एक दो, और एक से लेकर आगे कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, 100 दफा 200 दफा। लेकिन आप हैरान होंगे, हमारे नबी पर जिब्रील 23 बरस में 24,000 दफा आए, 24,000 दफा, जो एक अजबुल अजायब है, अजबुल अजायब है। तो मेरे भाइयों, रात की तरावी, दिन का रोजा, तरावी में क्या मिलने वाला है? मेरे नबी का फरमान है, हर सजदे पे 1,500 नेकी, हर सजदे पे 1,500 नेकी। थोड़ी अपनी कारोबारी मसरूफियत घटाओ, अपनी कारोबारी मशक्कत घटाओ, अपने मुलाजमों की भी मशक्कत घटाओ, ताकि वो तरावी पढ़ सकें, रोजा रख सकें, बशाशत से पढ़ सकें, और अल्लाह का फजल है धीरे से ढीला हाफिज भी हो तो 1.25 घंटे में सारा कुछ निमट जाता है। इतनी सी हिम्मत करो मेरे भाइयों कि इफ्तारी में थोड़ा खाओ। अगर तुम पहलवानों की तरह शुरू हो गया ना, फिर तो तुमसे इशा भी नहीं पढ़ी जाएगी, तरावी तुमने क्या पढ़। रोजा जिस्म की फालतू चीजों को चलाता है, रोजा एक कुव्वत पैदा करता है ईमानी शैतान के खिलाफ। वो कैसे पैदा करता है शैतान के खिलाफ? अल्लाह ताला हलाल को भी हराम कर देता है। जब बीवी को भी शहवत से देखना हराम हो गया और ये इस पे काबू पा गया, तो औरत औरों की इज्जत को ये हराम नजर से क्यों देखे? जब ये हलाल खाना छोड़ गया तो ये झूठ क्यों बोले, ये गाली क्यों देगा, ये गीबत क्यों करेगा? जब ये कान में दवाई डालना छोड़ गया कि रोजा टूट जाता है, तो ये औरों की गीबत क्यों सुने, औरों की बुराई क्यों सुने? जब ये आंख में दवाई नहीं डालता है कि वो हलक में जाती, वहां से वो पेट में चली जाती, रोजा टूट जाता है, तो ये इन आंखों से गलत क्यों देखे? बड़ा टफ होता है। ये गलत क्यों किसी की इज्जत के ऊपर अपनी बद्दयानत नजर को डाले? तो जब ये अंधेरे में बंद कमरे में ठंडा पानी पड़ा हुआ है और हाथ नहीं लगाता है, और अल्लाह का ध्यान उसे याद होता है कि अल्लाह देख रहा है, नहाते हुए होंठ बंद कर लेता है कि कोई पानी का कतरा मुंह में ना चला जाए और मेरा रोजा ना टूट जाए, खराब ना हो जाए, तो ये जब अल्लाह का इतना ध्यान इसको नसीब हो जाता है कि अल्लाह देख रहा है, वरना क्या किसी को क्या खबर कि मैं 2 गिलास पानी पीता है या मैं प्यास से बोल रहा हूं। तो जब वो अल्लाह को इतना अपने ध्यान में ले आता है कि अल्लाह देख रहा है मैं पानी नहीं पीऊंगा, अल्लाह देख रहा है मैं बीवी को हाथ नहीं लगाऊंगा, अल्लाह देख रहा है मैं किसी की इज्जत पर बुरी नजर नहीं डालूंगा, अल्लाह देख रहा है मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा, अल्लाह देख रहा है मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, तो फिर जब ये बाजार में जाएगा तो झूठ तो नहीं बोलेगा, जब ये तोलेगा तो गलत तो नहीं तोलेगा। हाँ, ये अलग बात है, बहुत से मुझे मिले गजबत रमजान में झूठ छोड़ देते हैं, उस बाद फिर शुरू हो जाएगी रमजान में रिश्वत नहीं लेता हूँ, उस बाद फिर शुरू हो जाता है। तो चलो शुक्र है, 1 महीना तो मुसलमान रहते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि रिश्वत खोर का तजुर्बा रमजान में नहीं? जी नहीं, रमजान में झूठ नहीं बोलना, रमजान में सही तोलना है, रमजान में गलत नहीं तोलना। क्यों? शैतान कैद हो जाते हैं। रमजान में नमाजी क्यों बढ़ जाते हैं? शैतान कैद हो जाते। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमजान में शैतान कैद किए जाएं, इस उम्मत को मिला रमजान में शैतान कैद हो जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमजान में जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाएं, इस उम्मत को मिला है रमजान में जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि इनके लिए हर मखलूक दुआ करे रमजान के महीने में, इस उम्मत को ये मिला है कि इनके रोजा रखने वालों के लिए चींटियां भी दुआ करती, परिंदे भी दुआ करते हैं, मछलियां भी दुआ करती हैं, हवाएं दुआ करती हैं, हर शय दुआ करती है रोजा रखने वाले की, इस उम्मत को मिला। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि आखिरी रात उनकी सबकी बख्शिश हो जाए, इस उम्मत को मिला है कि रमजान की आखिरी रात सबकी बख्शिश हो जाती। भाई साहब, ये एक चीज़ तो है, बड़ी हर बात मैं बोलता हूँ, ये बड़ी डिटेल में समझाते हैं हर चीज़ कि सामने वाले बंदे के बिल्कुल ना दिमाग में आती हुई बातों को, है ना, बिल्कुल तरीके से समझाते हैं।
बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक शेयर और कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें तो बढ़िया लगी। और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को रोज नए नए वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर और गुड नाइट।